सब्सक्राइब कीजिए भावना जायसवाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं एक नई रेसिपी ड्रिंक लेकर आई हूँ जो आप घर पर बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स मिलते हैं, मैं आपको एक आम का ड्रिंक बताने जा रही हूँ जिसको हम आमतौर पर फ्रूटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स कलर्स मिले हुए रहते हैं, तो मैं आपको घर पर ही बताऊंगी कि आप फ्रूटी का स्वाद घर पर ही ले सकते हैं। तो चलिए और बनाते हैं फ्रूटी मैंगो जूस। फ्रूटी मैंगो जूस बनाने के लिए हमने लिया है आम, 3 आम आप बड़े ले लें, कोई भी आम आप ले सकते हैं, और एक कच्ची कैरी ले लें। चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने हाफ बॉल चीनी लिया है क्योंकि आम भी मीठा होता है, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग ली हूँ। और पानी, आम ले लेते हैं पहले कच्ची वाली और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये चारों तरफ से इसके छिलके उतर गए हैं, तो रह गए इसके छिलके को उतार लेते हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। पका हुआ वाला आम ले लेते हैं और इसे भी कटिंग कर लेते हैं, पहले छिलका उतार लेते हैं इसका। चारों तरफ से इसके छिलके उतर गए हैं, अब इसे भी काट लेते हैं। पके हुए आम को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और कच्ची केरी को भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसे हम पानी में बॉईल करेंगे, 2 ग्लास पानी लेंगे और उसके अंदर इसको बॉईल करेंगे। पैन को गरम कर लिया है और इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। और ये कटे हुए मैंगोज हैं, इसको इसके अंदर डाल देंगे सारे। और 10 मिनट तक इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। चीनी का सिरप बना लेते हैं, 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है और चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको डालना है, मैंने हाफ बाउल इधर चीनी डाल रही हूँ। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये चीनी खुल ना जाए, इसमें कोई तार की चासनी नहीं बनानी है, बस ये चीनी इसमें डिसॉल्व हो जाए वाटर में। आम बिल्कुल गल गया है, 10 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से गल गया। अब इसे गैस ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। केरी को ठंडा कर लिया है, ठंडा करने के बाद इसे छान लेते हैं। से इस तरह निकाल कर और इसे हम लोग पीस लेंगे। ये पानी को हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको वापस जूस में इसी के अंदर हम लोग मिलाएंगे और इस पल्प को हम लोग मिक्सी में डालकर और छान लेते हैं। मैंगो के पल्प को मिक्सी में डाल लेते हैं। और इसे बहुत ही स्मूथ पीस लेते हैं। मैंगो के पल्प को पीस लिया है, अब इसे छन्नी में छान लेते हैं जिससे इसके अंदर की जो रेशे होते हैं मैंगो में वो निकल जाएगा। और ये पानी, ये जूस है जो आप मैंगो में बॉईल किया था उसका पानी बचा हुआ, इसके अंदर भी डालते जाए तो इजीली ये निकल जाएगा।
हमको छन्नी से छान लिया है, सारा ये जूस इस तरह निकल जाएगा। इसके अंदर एक भी रेसे नहीं दिख रहा है, जैसे आप देखोगे इसके अंदर एक भी रेसे नहीं है। इसके अंदर अब ये हमने जो सिरप बनाया था चीनी का, वो इसके अंदर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। अब आप देखोगे ये ऐसा गाढ़ा हो जाएगा और फ्रिज में इसे कम से कम 5-6 घंटे के लिए रख दें। जूस बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, बहुत ही अच्छा ठंडा हो गया है। अब इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे। अब आप देखो कितना अच्छा कलर आया हुआ है इस जूस में, बिल्कुल बाजार की तरह लग रहा है, मार्केट की तरह लग रहा है। इसमें ना तो केमिकल है ना कोई कलर है, बिल्कुल प्योर ये आम का बनाया हुआ है। मैं नई रेसिपी बिल्कुल लेकर आई थी और ये आपके लिए मैंगो फ्रूटी जूस बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वारीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।